अच्छा आनंद, आज मैं दो तरह के पकोड़े की रेसिपी लाई हूँ। एक है आलू के पकोड़े, दूसरे हैं बैंगन के पकोड़े। इसे बंगाली में बेगुनी कहते हैं। ये आलू के पकोड़े, ये दाल चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है और बहुत आसानी से बन जाता है। ये कुरकुरे भी बहुत है, देखिए इतने कुरकुरे हैं ये। और पूरी आलू अच्छी तरह से अंदर बॉयल भी हो गई है। ये बैंगन का, अब बैंगन भी कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया है देखिए। तो आप इसे घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम इसकी अब रेसिपी देख लेते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनाएंगे बेगुनी और आलू का वड़ा। यहाँ पे मैंने 3-4 बैंगन लिए थे जिसके छोटे छोटे साइज के, जो ये यहाँ पे छोटे छोटे बैंगन ही ज्यादा मिलते हैं। तो खैर इसके ऐसे मैंने पतले पतले काट लिए हैं और आलू को भी मैंने ऐसे पतले पतले काट लिए। यहाँ मैंने 3 आलू लिए थे इस तरह पतले काट। जितना पतले काटेंगे ना जब पकौड़े बनेंगे तो उतना जल्दी ये बॉयल होगा। अब अगर मोटा काटेंगे ये बैंगन या फिर आलू, तो बैंगन फिर भी बॉयल हो जाएगा, आलू मोटा काटने से बॉयल नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं इसमें आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच से भी थोड़ा कम नमक डाल के रखूंगी थोड़ी देर के लिए, ताकि इनमें नमक अंदर तक चला जाए। क्योंकि ये पकोड़े बनेंगे तो हल्का सा नमक पहले से लगा के रखना पड़ेगा आपको, तो इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पूरे में अच्छे से बैंगन को नमक से कोट कर देंगे। इसी तरह आलू को भी हम इस तरह से पूरा नमक से कोट कर देंगे। ये तो अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे, उसके बाद हम बैटर बनाएंगे। तो चलिए बैटर कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए मैं आपको बैटर दिखाती हूँ। यहाँ मैंने 1 कप बेसन लिया है और 1/4 कप मैंने चावल का आटा लिया। आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर भी यूज कर सकते हैं, या फिर चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर आपके पास ना हो तो सिर्फ बेसन से ही बना सकते हैं। इसमें मैं अब स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। नमक आप ध्यान रखिएगा क्योंकि बैंगन आलू में ऑलरेडी हमने नमक डाला, तो ज्यादा नमक नहीं डालिएगा, हल्का सा नमक डालिएगा। और साथ में थोड़ा सा तीखा के लिए लाल मिर्च पाउडर आप अगर पसंद करें तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अब इसे हम पहले मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसे मिक्स करेंगे, नहीं तो गुठलियां पड़ सकती है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इन सबको मिक्स करते रहेंगे हम लोग। मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, आप चाहे तो तीखी वाली भी डाल सकते हैं। हम लोग इतना मिर्च नहीं खाते तो इसलिए हमने तीखी वाली नहीं डाली है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा बैटर बनके तैयार हो गया। इसका फ्लो आप देख सकते हैं इस तरह से उसका फ्लो होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 1 ग्लास के बराबर पानी लिया था, अब थोड़ा सा बच भी गया आप देख सकते हैं। अब इसको इसी तरह से थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ताकि बेसन इसका पानी एब्जॉर्ब कर ले और अच्छी तरह से स्मूथ बन जाए। तो 15 मिनट बाद इसके हम पकौड़े बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमारा 15 मिनट हो गया है, तेल बहुत ज्यादा गर्म है और बैटर भी बन के तैयार है। तो अब हम एक ऐसे बैंगन लेंगे, एक बैंगन इस तरह से बेसन में अच्छी तरह से डिप करेंगे, इस तरह से डिप करके इसे तेल में डाल देंगे। देखिए हमारा फ्राई हो गया फुलका फुलका बैंगनी, जिसे बंगाली में बोलते हैं बैंगन के पकोड़े। तो फ्रेंड्स ये रहा बैंगनी बैंगन के पकोड़े। अब मैं आपको आलू के पकोड़े बना के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आलू का पकोड़े बनेंगे। उसी बैटर में हम आलू डालेंगे। ये आलू को हम इस तरह से डिप कर डालेंगे, इसी तरह से इसे डिप करके अच्छे से ऐसे फ्राई कर देंगे। तो आलू के पकोड़े भी बड़े अच्छे लगते हैं बच्चों को, मेरी बेटी को तो ये आलू के पकोड़े बहुत ज्यादा पसंद है। आप भी घर में इसे ट्राई जरूर कीजिएगा और आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। ये चावल और दाल के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये बंगाली के घर में तो घर घर में ये बनता है, बहुत अच्छा लगता है खाने को।
अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा ऐसे टेस्टी रेसिपीज ब्लॉग्स और अनबॉक्सिंग वीडियो के लिए। देखिए आलू के पकौड़े हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब इसे हम उतार लेंगे। आलू ऐसा गोल्डन ब्राउन हो जाने से इसे हम निकालेंगे और आलू के पकोड़े और बैंगन के पकोड़े बनके तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये रहेगा बैंगन के पकोड़े और ये रहे आलू के पकोड़े। आप घर में से ट्राई कीजिएगा, बहुत आसानी से बन जाती है, बहुत ही कुरकुरे हैं। आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे इस तरह के अच्छे ब्लॉग और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।